आज हम एक सुंदर सा ध्यान करने जा रहे हैं जो आपको एडिक्शन से हील होने के लिए मदद करने वाला है। विजुलाइज करें कि आप आराम से बैठे हैं, जैसे एक आप कार के पीछे ड्राइवर की सीट पर बैठे हैं, जीवन की सड़क के घुमाव और मोड़ संभालने के लिए तैयार हैं। गहरी लंबी सांसें लेना है। सांस लेते हुए एक पॉजिटिव ऊर्जा को आपके अंदर जाते हुए महसूस करें और जब सांस छोड़ते हैं तब सारी नकारात्मकता ऊर्जाएं बाहर जा रही है, ऐसे विजुलाइज करना है। जो कार है वो आपका शरीर है और जो रोड है वो आपका जीवन है। तो हम विजुलाइज करने वाले हैं कि जो ड्राइवर बना बैठा है उस कार का, उसके पास उस गाड़ी को चलाने का पावर है, कंट्रोल है, और उस पावर के साथ हम कैसे एडिक्शन के पिटफॉल्स को अवॉइड करें। आपके शरीर को आपके जीवन के वाहन के रूप में यहाँ पे प्रतिष्ठित किया है। जब आप इस चित्र के प्रति जागरूक होंगे तो सोचें कि आप एक लंबी घुमावदार सड़क के ऊपर चल रहे हैं जो जीवन की सड़क है। आपकी चारों ओर के दृश्य को ध्यान से देखें, घने पेड़, आकाश, शीतल हवा, अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी और अपनी सांस की गति को महसूस करें। अब आगे बढ़ें। अपने सामने जारी होने वाले जीवन की सड़क को ध्यान से विचार करें, जो कि अवसाद की गहरी समाप्ति के द्वार है। अपने कार, अपने शरीर को इस सड़क पर ध्यान से ड्राइव कर रहे हैं। आप इसे सावधानी से संभाल रहे हैं, लेकिन कभी कभी जब आप बहुत करीब होते हैं, निकट होते हैं रोड से, तो आप आगे की खतरे को नहीं देख पाते हैं जो नशे के गड्ढे हैं। एक सुंदर सी रोशनी, एक दिव्य प्रकाश आपके आगे के रोड को इल्यूमिनेट कर रहा है, मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए उत्तेजित कर रहा है। यह रोशनी आपकी उच्च संवेदनशीलता और प्रतिनिधित्व करता है। आगे बढ़ने के लिए आपके जागरूकता का भाग है और जो आपको अपने निशाने पर ले जाता है। इस फीलिंग के साथ, इस अवेयरनेस के साथ सोचें कि आप उस सड़क के ऊपर हो जो जीवन के बड़े चित्र को देखने की क्षमता देता है। इस उच्च परिप्रेक्ष्य से आप वही नशे के खतरों को देख सकते हैं, चाहे वो सिगरेट हो, शराब हो या किसी हानिकारक आदत के अधीन हो। Whenever you lift your consciousness that you are parallel to the road and you can see the pitfalls, you can avoid those pitfalls with your divine consciousness. ध्यान दें कि रास्ते के किनारे जो आपके मार्ग को दिखा रहा है, जागरूक कर रहा है, उसे धन्यवाद दें। उस दिव्य प्रकाश को धन्यवाद दें। सोचें कि आप उस सड़क के ऊपर हो और अवेयरनेस के साथ पूरे एडिक्शन या खतरों को, नशे के खतरों को देखें डिटेल में कि अगर उस गड्ढे में आप गिरे तो क्या होगा, आपकी स्थिति क्या होगी,
क्या आपको अच्छा लगेगा उसे इंडल्ज करने के बाद, क्या आपको गिल्ट होती है, क्या आपको बुरा लगता है कि मैं फिर से उस गड्ढे में फंस गया। जब हम इन एडिक्शंस में अटकते हैं तो हमारी जो इनर स्ट्रेंथ है उसकी टेस्टिंग हो रही होती है। तो क्या हम उस विचार को हमारे ऊपर प्रभावित होने देते हैं और उस फीलिंग को या एडिक्शन को पूरा करते हैं, जैसे स्मोक कर लेते हैं या ड्रिंक कर लेते हैं, या फिर हम जागरूक होकर उस वक्त उस नेगेटिव पिटफॉल में गिरने के बजाय रुककर एक नई दिशा लेते हैं जिससे हमारी जो ब्रेन में न्यूरल पाथवेज बनी है, नेगेटिव न्यूरल पाथवेज, वो बाईपास हो जाए। अगर आपके अंदर विश्वास है, चाहत है कि एडिक्शन से मुक्त होना है, तो जरूर आपको एंजल्स गाइड करेंगे, अपॉर्चुनिटीज देंगे, लेकिन हर उस विचार पर काम करना होगा जो आपको खड्डे में ले जा रहा है। इससे आपकी खुद की जो चॉइस है, पावर ऑफ चॉइस, वो लौटती है और उस चॉइस में बदलाव आएगा। हमेशा याद रखें कि जब भी कोई भी एडिक्शन की विचार आपको हावी हो जाती है तब आपके वाइब्रेशंस नेगेटिव हो जाते हैं, तो वो जो गड्ढा है, पिटफॉल है, उसमें गिरने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर हमने वो विचार के बाद अपने वाइब्रेशंस को लिफ्ट किया, पॉजिटिव वाइब्रेशंस दिए, तो आप उस गड्ढे से बच सकते हैं और धीरे धीरे नई न्यूरल पाथवेज अपने ब्रेन में तैयार कर सकते हैं जो आपको स्वास्थ्य की ओर ले जाएगा। इस गड्ढों से बचने के लिए आपको हर रोज हर पल रिमाइंड करना होगा, आप उनमें कुछ एडिक्शंस से मुक्त होने के लिए अफर्मेशंस बना सकते हैं। अब कुछ अफर्मेशंस मैं दोहरा रही हूँ, उसे अपने मन की आवाज में दोहराएं। आई एम स्ट्रॉन्गर देन माई क्रेविंग्स, मैं मेरी चाहतों से बलवान हूँ। आई चूज हेल्थ एंड फ्रीडम ओवर एडिक्शन, मैं नशे के बजाय स्वास्थ्य और स्वतंत्रता का चयन करती हूँ। आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई चॉइसेस एंड एक्शंस, मेरे क्रेविंग से मैं नियंत्रण में हूँ। आई एम वर्थी ऑफ अ लाइफ फ्री फ्रॉम एडिक्शन, मैं नशे के बिना जीने के लिए पात्र हूँ। रोजाना इन अफर्मेशंस को आपको दोहराना है। अगर आप दोहरा नहीं पा रहे हैं तो इन्हें अपने मोबाइल पर, फ्रिज पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर, बाथरूम के आईने पर लिखकर स्टिक कर सकते हैं, रोज उन्हें पढ़ सकते हैं, जिससे आपको आत्मसमर्थन मिलेगा और आप अपने संकल्प के प्रति पुनः संवेदनशील बनेंगे। यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ विजन बोर्ड और अ कोलाज फीचरिंग इमेजेस ऑफ योर सेल्फ बींग हेल्थी, दैट विल हेल्प यू इन योर रिकवरी जर्नी। अब मैं एक बहुत ही पावरफुल स्विचवर्ड बताने वाली हूँ, इसे रिपीट करें। कट ऑफ लिमिट नाउ, ये जो शब्द है ये जादुई शब्द है, ये आपके एडिक्टिव पैटर्न और बिहेवियर को कट करेगा। और उसे चैंट करते वक्त आपको विजुलाइज करना है कि जैसे वो एडिक्शन के जो चेन्स है जिससे आप जकड़े हुए हैं वो ब्रेक हो रहा है। कट ऑफ लिमिट नाउ, इन एफर्मेशंस और स्विचवर्ड के ऊपर ध्यान केंद्रित करने के बाद आपका जो अवचेतन मन है वो पुनः कार्यात्मक बनने में सफल होगा और आप में
परिवर्तन आएगा। आप फिर से फील कर पाएंगे कि उच्चतम ऊर्जा आपके अंदर से बह रही है और आप एडिक्शन से मुक्त हो रहे हैं। अब एंजल प्रार्थना से हम इस ध्यान का समाप्ति करेंगे। डियर आर्कएंजल माइकल, डियर आर्कएंजल रफेल, डियर आर्कएंजल चैमियल, डियर आर्कएंजल यूरेल, डियर आर्कएंजल गैब्रियल, मेरी मदद करें, मुझे एडिक्शन से बाहर निकाले, मुझे करुणा और प्रेम से हील करें, मुझे सपोर्ट दें ताकि मैं इस एडिक्शन के पिटफॉल्स को, गड्ढों को रूट कॉज से समझूं और इससे बाहर निकलने के लिए नए रास्ते बनाऊं। कृपया अपनी गाइडेंस मुझे दें, मेरे चॉइसेस को बदलने में मुझे करेज ऑफर करें और इन पैटर्न्स को ब्रेक करने में मेरी मदद करें। मैं स्वास्थ्य संपन्न जीवन आकर्षित करना चाहती हूँ। डियर आर्कएंजल्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप इस ध्यान से बाहर आना चाहेंगे, धीरे धीरे अपने सांस पर फिर से ध्यान दें और विजुलाइज करें कि जो आपकी कार है उन पिटफॉल्स को अवॉइड करके एक सुंदर सी रूट ले रही है जो फ्रीडम और अवेयरनेस के साथ भरी हुई है। फील द सेंस ऑफ लिबरेशन एज यू कम अवे फ्रॉम एडिक्शन ग्रिप टुवर्ड्स अ ब्राइटर हेल्दियर फ्यूचर। अगर आपको इस ध्यान का उपयोग हुआ, आपको मदद हुआ, तो कृपया कमेंट्स में आपके फीडबैक को पोस्ट करें। धन्यवाद।